गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे वी विल सी द चैप्टर 1, ऐसा बालका अथवा ऐसा बालिका। ऐसा बालका अथवा ऐसा बालिका। ऐसा बालका यह लड़का है अथवा यह लड़की है। इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे हम लोग। इसमें हिंदी मीनिंग पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें प्रथम पुरुष। इस पाठ में प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम शब्द तत् और एतत् का प्रयोग किया गया है। आकारांत पुलिंग, आकारांत पुलिंग और आकारांत स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसमें संस्कृत भाषा में क्रियापद में, क्रियापद में जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना, ये सब जो क्रियापद है इसमें कोई लिंग में अंतर नहीं होता है, कोई भेद नहीं होता है। संस्कृत भाषा में क्रियापद में कोई लिंग भेद नहीं होता है। जैसे जैसे यहाँ पर देखिए खेलती है ना, बालिका खेलती, यहाँ पर भी बालिका खेलती, तो क्या है बालिका, यहाँ पर पुलिंग है आकारांत, है ना, पुलिंग है, और यहाँ पर बालिका आकारांत, ये स्त्रीलिंग है। लेकिन क्रिया शब्द जो है खेलता है, ये दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। प्रयोग किया गया ना, सेम ही प्रयोग किया गया है। बालक के लिए भी खेलती और बालिका के लिए भी खेलती, तो इसमें कोई परिवर्तन या कोई अंतर नहीं होता है। क्रियापद पुलिंग के लिए भी और स्त्रीलिंग के लिए ही सेम होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए हम लोग इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। नंबर वन, ये इसमें इस तरह से वन लिखिएगा। नंबर वन, ऐसा बालका, यह लड़का है। बालका खेलती, लड़का खेलता है। ऐसा बालिका, यह लड़की है। बालिका खेलती, लड़की खेलती है। नंबर टू, ऐसा छात्र, यह विद्यार्थी है। छात्र मीन्स क्या होता है, विद्यार्थी। यहाँ हम लोग तस्वीर में भी देख रहे हैं, पिक्चर में, यह क्या है, विद्यार्थी है, किताब लेके पढ़ रहा है ना। छात्र पठती, तो विद्यार्थी पढ़ता है। सा पठती, वह पढ़ता है। ऐसा छात्रा, यह छात्रा है या तो विद्यार्थिनी है। छात्रा पठती, छात्रा पढ़ती है। सा पठती, वह पढ़ती है। नंबर थ्री, ऐसा कलमा, यह कलम है। यहाँ पर पिक्चर में भी हम लोग देख रहे हैं, ये कलम है। ऐसा कलम मंजूसा, यह कलम है, यह कलम का डिब्बा है। नंबर फोर, ऐसा अरनवा, यह अरनव है। अरनव एक विद्यार्थी है। अरनव क्या करता है, अरनव लिखता है। वह नहीं खेलता है, वह नहीं खेलता है। यह विद्यालय है। नंबर फाइव, ऐसा अध्यापिका, ऐसा अध्यापिका, यह शिक्षिका है। क्या शिक्षिका पढ़ती है, शिक्षिका पढ़ाती है। वह नहीं पढ़ती है। ऐसा अध्यापक, यह शिक्षक है। क्या शिक्षक पढ़ता है, शिक्षक नहीं पढ़ता है। वह पढ़ाता है। शिक्षक क्या करते हैं, खुद नहीं पढ़ते हुए क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। नंबर सिक्स, नंबर सिक्स, ऐसा वृक्षा, वृक्षा फलती, ऐसा ऐसा वृक्षा, यह पेड़ है। पेड़ फल देता है। ऐसा सॉरी राधा छात्रा, ऐसा राधा, तो यह राधा है। राधा एक छात्रा है।
या विद्यार्थिनी है। राधा क्या करती है? राधा लिखती है। वह नहीं खेलती है। नंबर 7, ऐसा बालका अभिनव, यह लड़का अभिनव है। क्या अभिनव खेलता है? अभिनव गाता है। वह नहीं खेलता है। यह ऐसा लता, लता फलती। यह बेल है, बेल फल देती है। नंबर 8, ऐसा बालिका नेहा, यह लड़की नेहा है। नेहा नमस्कार करती है। क्या नेहा गाती है? नेहा नहीं गाती है। वह नमस्कार करती है। यह ऐसा पादप, यह पौधा है। यह कली है। नंबर 9, ऐसा विभा, यह विभा है। विभा गाती है। विभा क्या करती है? वह गाती है। ऐसा पर्वत, पर्वत मीन्स क्या होता है? पहाड़। और गुहा मीन्स गुफा। तो यह पहाड़ है, यह गुफा है। स्टूडेंट्स अब आ जाइए अभ्यास में, एक्सरसाइज में। लिखितम उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यानि पुनः लिखत। यहाँ पर सा और सा भरना है, ठीक है। बालका खेलती, बालका के स्थान पर क्या है? पुलिंग है, इसलिए हम लोग सा लगाएंगे, ठीक है। सा खेलती, बालिका गायती, सा गायती। अर्णवा छात्र अस्ति, सा छात्रा अस्ति। अर्णिका छात्रा अस्ति, तो अर्णिका स्त्रीलिंग है, इसलिए सा हो गया, ठीक है। नेहा नमती, नेहा भी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर सा हो गया, ओके। नंबर 2, उचित पदेन वाक्य पूर्तिम कुरुत, उचित पद से वाक्य पूर्ति करें। अमरा पठती। नंबर 2, ऐसा छात्रा, यहाँ पर छात्रा स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर ऐसा का प्रयोग किया गया है। बालका खेलती, ऐसा ऐसा छात्र, ये पुलिंग है, इसलिए ऐसा हो गया। नंबर 5, बालिका खेलती। 6, राधा लिखती। नंबर 3, परस्पर मेलनम कुरुति, इसको क्या करना है? मैच करना है। आप लोग इसका पिक्चर देख के मैच कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ऐसा छात्र है, या छात्र है, तो छात्र कहाँ है? तो यहाँ पर ऐसा छात्र, इसके साथ मैच हो जाएगा इस तरह से, ओके। नंबर 4, उदाहरणम अनुसृत्य अधोदत्तानि पदानि उचित स्तंभे लिखत। यहाँ पर उचित स्तंभे लिखना है, कौन पुलिंग है? पुलिंग है तो पुलिंग के साथ नीचे लिखिए, और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के नीचे। तो यहाँ पर जितने भी शब्द के अंत में विसर्ग रहता है ना, विसर्ग है, वो सभी आपका पुलिंग में आता है। और जितना भी विसर्ग नहीं है, आ की मात्रा है, वो सभी क्या हो गया? स्त्रीलिंग में आ जाएगा। तो ऐसा वृक्ष, ऐसा पुस्तकालय, ऐसा अनुराग, ऐसा कलमा, ऐसा हारा, ये पुलिंग के अंतर्गत आ गया, ठीक है। अब स्त्रीलिंग में ऐसा लता, ऐसा शाखा, ऐसा अनुराधा, ऐसा मंजूषा, ऐसा माला। नंबर 5, मंजूषाता उचित पदम आदाय रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। यहाँ पर उचित पद से रिक्त स्थान को पूरा करना है। यहाँ पर क अध्यापिका किम करोति, ओके। सा पाठ्यति, यहाँ पर अध्यापिका के स्थान पर क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, चूंकि अध्यापिका स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर सा आ जाएगा, ठीक है। ख किम अभिनवा पठति, क्या अभिनव पढ़ता है? अभिनवा न पठति, सा खेलती, अभिनव नहीं पढ़ता है, वह खेलता है। यहाँ पर अभिनव के स्थान पर हम लोग सर्वनाम सब स कर लेंगे, ठीक है। पाठम क्वेश्चन नंबर 6, पाठम आधारित्य प्रश्नान उत्तरत, पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभिनवा किम करोति, अभिनव क्या करता है? क्या करता है? अभिनवा गायती, ओके। नंबर 2, राधा किम करोति, राधा लिखती। नंबर 3, बालिका किम करोति,
लड़की क्या करती है? बालिका खेलती, लड़की खेलती है। विवाह किम करोती, विवाह क्या करती है? विवाह गायती। नंबर 5, अध्यापिका किम करोती, अध्यापिका क्या करती है? अध्यापिका पाठयती, पाठयती मीन्स पढ़ाती है, अध्यापिका पढ़ाती है। स्टूडेंट्स, ये जो बुक का एक्सरसाइज है, ये सभी आप लोग बुक में सुंदर राइटिंग में लिखिएगा, ठीक है। और इसका जो हिंदी मीनिंग है, इसका जो हिंदी मीनिंग है, ये आप लोग नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखकर इसको ग्रुप में सेंड कीजिएगा। ओके, थैंक यू।